नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे और देखेंगे कि पेपाल में हम अपना बैंक अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हैं, उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना पेपाल ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको होम दिख रहा होगा, यहाँ पर पेमेंट, यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड दिख रहा होगा। सिंपल आपको इसी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लिंक बैंक अकाउंट एंड कार्ड, सिंपल आपको इसी पर क्लिक करना है। ये देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको गो टू आवर वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको अपना जो पेपाल का लॉगिन ईमेल है वो डाल देना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक। फिर अपना पासवर्ड डाल देना है यहाँ पर आपको। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, लिंक ए बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आप IFSC कोड से भी कर सकते हैं, बैंक नेम से या लोकेशन से इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपने जो IFSC कोड से करना चाहते हो तो यहाँ पर पहले आपको अपना IFSC कोड डालना है। फिर यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं बैंक नेम से। तो यहाँ पर हम अब सबसे पहले डालेंगे अपना बैंक नेम। तो हमारा बैंक नेम आ चुका है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर सर्च बैंक नेम फर्स्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपके सामने आ रहा है वो यहाँ पर दे देना है। फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट सिटी टाउन फर्स्ट, यहाँ पर आपको अपना सिटी टाउन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना ब्रांच का लोकेशन डाल देना है या फिर IFSC कोड डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको लिंक योर बैंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। देख जैसे क्या लिख रहा है, इन 3-5 बिजनेस डे विल बी सेंड टू स्मॉल डिपॉजिट लेस देन 1.5 रुपये, आफ्टर यू गेट देम कम बैक एंड कंफर्म योर बैंक। तो ये आपके बैंक अकाउंट पर 1.5 रुपये डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा, स्टेटस कंफर्म यहाँ से दिखा जाएगा। तो दोस्तों आप भी इसी मेथड का यूज करके बहुत ही आसानी से अपना जो बैंक अकाउंट है वो पेपाल में लिंक कर सकते हैं। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों। लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंटरेस्टिंग वीडियो। और आपको मन में जो भी सवाल आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।